यूपी के अलीगढ़ में हाथों में तमंचा लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने वाले आरोपियों के खिलाफ अब तक किसी तरह की कार्रवाई संभव नहीं हो सकी है। हरदुआगंज थाना क्षेत्र के ग्राम इमलानी निवासी मोनू नागर ने अपने साथी के साथ मिलकर वीडियो बनाया था और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। एक पत्रकार द्वारा सूचना दिए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्थानीय पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई, तब इसकी गुप्त सूचना पत्रकार ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी, जिसकी जानकारी आरोपियों तक पहुंच गई, जिसके बाद पत्रकार अपनी जान को लेकर काफी डरा हुआ है और अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। यूपी के अलीगढ़ में हाथों में तवंचा लेकर वीडियो बनाकर फेसबुक में अपलोड करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। दो युवकों ने वीडियो बनाया था जिसमें से एक की पहचान हरदुआंग थाना अंतर्गत ग्राम इमलानी में रहने वाले मोनू नागर के रूप में की गई है। पत्रकार आकाश सूर्यवंशी ने स्थानीय पुलिस के संज्ञान में मामला लाया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा आरोपी के संबंध में गुप्त जानकारी पत्रकार ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। मोनू नागर के बारे में जो हरदुआंग का रहने वाला जो 55 साल में उनको बताया था, तो अभी भी उसमें मेरे पास कोई फोन नहीं आया। आपने उनको एसएमएस आपको नंबर दिया था ना? हाँ दिया था। हाँ तो अभी उनका भी कोई फोन नहीं आया था। अब सर बताइए, उन्होंने मैंने तो ये गुप्त सूचना दी उन्हें, तो उन्होंने उनके थाना एक कोतवाल दरोगा है, उन्होंने मेरा नाम क्लियर कर दिया, उस आकाश ने तुम्हारा वो फोटो डाला है, तो इसमें भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई या तो फिर हम ही मर जाएंगे। पता नहीं आपको, चलो हम रोड पे चलते हैं, हम तो आप तो क्या गाड़ी में चलते हैं, हम लोग उड़ा दें। सर मैंने एक सूचना दी थी SPRA साहब को अलीगढ़, जो कि तवंचा लहराने वाले युवक की, तो मैंने गुप्त सूचना दी थी उनको। हाँ मैंने ये वही सूचना दी, मैंने 5 अप्रैल को दी थी। फिर मैंने एक थाने में सूचना दी थी, थाना हरदुआगंज में, युवक थाना यानी हरदुआगंज क्षेत्र में पड़ता है इमलानी गाँव, युवक वहां का रहने वाला था, तमंचा के साथ स्कूल बना था, थाना हरदुआगंज। हाँ तो ग्राम इमलानी का रहने वाला जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, जो की इमलानी, जो कि पहले भी लूटपाट को अंजाम दे चुका था। अच्छा तो जैसे मैंने हरदुआगंज थाने में जब जैसे मैंने फोन किया, तो वहां के किसी दरोगा ने तो उस अपराधी की बुआ को बता दिया कि जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दी, तो उनका फोन मेरे पास आ रहा है। अभी तक ना तो अभी कोई गिरफ्तार किया, जबकि मैंने उनके पास सारे प्रूफ भेज दिए। हाँ और वो SPRA साहब को बता देता हूँ, ठीक है, आपका नंबर भी दे देता हूँ, वो कार्रवाई कराएंगे। पत्रकार आकाश सूर्यवंशी द्वारा आरोपी के संबंध में पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई गुप्त सूचना की जानकारी आरोपी के परिजनों तक पहुंच गई, जिसके बाद पत्रकार के पास धड़ाधड़ फोन आने लग गए और उसे धमकियां दी जा रही हैं। आकाश का कहना है कि स्थानीय पुलिस द्वारा ही आरोपियों के परिजनों से गुप्त जानकारी साझा की गई है। इस वाक्य के बाद पत्रकार काफी डरा हुआ है, क्योंकि आरोपी मोनू नागर आदतन बदमाश है और पहले ही मारपीट और लूटपाट की घटना में शामिल रह चुका है। पत्रकार को अपनी जान का डर सताने लगा है। पत्रकार ने कहा कि DIG अलीगढ़ से वो इस संबंध में शिकायत करेगा। जिसकी मैं सूचना गुप्त रूप से SPRA अलीगढ़ साहब को दी, SPRA अलीगढ़ साहब ने उस सूचना को स्थानीय थाना पुलिस हरदुआगंज में बताया, जिनकी पहचान हो गई थी, जिसका नाम मोनू नागर है, जो ग्राम इमलानी का रहने वाला है। अब मामला यह है, जब मैंने स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया, थाना हरदुआगंज पुलिस को, तो उस पुलिस के एक महकमे के ही कोई दरोगा ने उसको आरोपी के घर वालों को बता दिया कि इस युवक ने आपकी खबर लगाई, इस पत्रकार ने आपकी हमें सूचना दी है। आप बताइए, गुप्ती रूप से सूचना हमने जो दी और गुप्ती रूप से हमने जो सूचना दी और उस आरोपी के हाथ में सूचना कैसे पहुंची? जब आरोपी के परिवार का मेरे पास फ़ोन आया या उसकी बुआ का मेरे पास फ़ोन आया, तो उसने मुझे बताया कि हमें एक दरोगा ने बताया है कि आपने ही ये सूचना दी है कि तमंचे लेकर स्टोरी बना रहे थे। और हाँ, अब जब ये चीज़ पुलिस ने क्लियर कर दी है, तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जिस अपराधी जो अगर जो तमंचा लेकर स्टोरी बनाता है, वो पहले भी एक लूटपाट को अंजाम दे चुका है कमला नगर में,
और मैंने जिसके संबंध में DIG साहब से आज मैंने बात की और मैं जिस पूरी कहानी को बताया और DIG साहब ने तत्काल SPRA साहब के संज्ञान में डाल दिया और मैं एक दो दिन में DIG साहब के यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से एक एप्लीकेशन दर्ज करना चाहता हूँ जिसमें आरोपी अभियुक्त पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मैं अपनी सुरक्षा के संबंध में भी एक प्रार्थना पत्र दूंगा। तमाम साक्ष्य सामने लाने के बाद भी हरदुआगंज पुलिस आरोपी मोनू नागर के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। उच्च अधिकारियों का निर्देश मिलने के बाद भी कार्रवाई न होना और गुप्त सूचना को आरोपियों तक पहुंचाना स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आरोपी मोनू नागर पुलिस से कब तक बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज।